हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो है सेफ वर्क प्लेस। ठीक है, इसमें ऑल ओवर ये बताया गया है कि किसी भी वर्क प्लेस को होने वाले जो एक्सीडेंट्स रहते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या हम सेफ वर्क प्लेस को रखने के लिए क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है, तो पूरा ऑल ओवर ये इसी से रिलेटेड है कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वर्क प्लेस ओवरव्यू के बारे में पहले हम बात करेंगे। ओवरव्यू क्या करें, ओवरव्यू में देखिए क्या होगा, पूरा वर्क प्लेस है। ठीक है, आपका वर्कशॉप है वर्क प्लेस पे। ठीक है, जहाँ भी आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है या इंडस्ट्री लेबोरेटरी जो भी है आपकी, जो भी इन्वायरमेंट वहाँ का है, उन सब जगहों पे ये देखना है कि होने वाले हैजार्ड्स क्या क्या हैं। ठीक है, किस चीज़ से काम चल रहा है, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्या सबसे ख़तरनाक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होंगी। ठीक है, जब आपने ये ओवरव्यू कर लिया कि ये चीज़ें हमारे यहाँ ख़तरनाक हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है उस पर क्या करना है ये देखना है, उसका रिस्क कितना है। ठीक है, अगर ये चीज़ है ऐसी है तो इसमें रिस्क कितना है, अब ये चीज़ देखना। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया हमारे यहाँ हीटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ लाइटनिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, वेंटिलेशन से हो सकती है, तो क्या है ये उसके पॉइंट्स बन गए। अब देखिए, ओवरव्यू पूरा किया तो पता चला कि देखिए हीटिंग से होने वाले प्रॉब्लम वर्क प्लेस पर क्या क्या हम देख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा कहीं पर हीटिंग हो रही है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पैनल हीट हो रहा है आपका पूरा तो वहाँ आग लग सकती है। ठीक है, तो ये भी देखना है, जो भी आपका मेन पावर है पूरा पैनल है इलेक्ट्रिसिटी पैनल, उस पर ओवरलोड ना हो। ठीक है, वो ओवरलोड ना हो। ठीक है, फिर लाइटनिंग की बात करें तो देखिए लाइटनिंग का अरेंजमेंट सब जगह अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो वर्क चलता है वो कभी कभी नाइट शिफ्ट में भी चलता है, तो लाइटनिंग सेफ्टी अच्छे से रहना चाहिए। लाइटनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर आता है क्योंकि। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बात अगर करूँ तो वेंटिलेशन की मैं बात करूँगी। तो क्या होता है, वेंटिलेशन सिस्टम पूरी इंडस्ट्री में लगा रहता है, बॉयलर्स जहाँ होते हैं जो भी चीज़ें रहती है तो वेंटिलेशन सिस्टम रहता है पूरी इंडस्ट्री में। अब उन वेंटिलेशन फैंस जो भी रहते हैं, जो भी आपने लगा रखा है, उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, रिप्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी फिटिंग्स बहुत ज़रूरी है, और उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उनका है तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से फिटेड हैं और वो किस सिचुएशन में है। ऐसा तो नहीं वो वर्क ही ना कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो क्या करता है, फ्रेश एयर जो है उसे अंदर लाता है, एग्जॉस्ट करता है बाकी जो अंदर की सारी गर्मी है उसको। ठीक है, तो उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं रहेंगे तो कैसे आपके यहाँ का वेंटिलेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट की बात करूँगी। फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट सबसे पहले तो हाईलाइटेड होनी चाहिए, जो भी प्लेस पे लगे हुए हैं वो इजीली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्सटिंग्विशर है वो हमें मतलब ऐसा ना हो कि जैसे स्टोर्ड है कोई मटेरियल वहाँ स्टोर्ड है, कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर्ड है, उस बिल्डिंग में एक्सटिंग्विशर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए कि आप इजीली उन्हें देख सकें और वहाँ से उठा भी सकें। ठीक है, और देखिए क्या साथ में गैस कटिंग वेल्डिंग अगर चल रही है तो कोशिश करें कि उसको ओपन एरिया में करें, ऐसा ना हो बगल में कोई काम चल रहा है और वहीं आप लगे हैं फिटिंग ये जो वेल्डिंग करने में। ठीक है, तो इधर भी आग लगने के कारण रहते हैं, तो एक्सटिंग्विशर हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ वो विजिबल हो। ठीक है, ऑयल गैस वर्क चल रहा है या कुछ भी ऐसे कंबस्टेबल मटेरियल से वर्क चल रहा है, फ्लेमेबल मटेरियल से वर्क चल रहा है, तो उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आग ना लगने पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक्सटिंग्विशर जो है उन्हें विजिबल प्लेस पे रखना है और चेकिंग करना उनका कि ऐसा तो नहीं उनका प्रेशर स्टोर्ड है या नहीं, उनके अंदर का जो मटेरियल है वो रिफिल्ड है या नहीं, ऐसा तो नहीं वो एम्प्टी हो, तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हीटिंग अप्लायंसेस आपने बताया आपको मैंने, अगर कोई चीज़ हीट हो रही है या कोई भी आप ओपन फ्लेम हीटिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गैस यूज़ हो रही है वहाँ पे, बॉयलर्स हैं ज़्यादा ओवर हीट हो रहे हैं तो उन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल है तो उनकी हैंडलिंग किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जहाँ जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल हैं उनकी एक लिस्ट अलग से होगी, वो कहाँ पर स्टोर्ड होंगे, कहाँ पर कंटेन रहेंगे, कब यूज़ में आने हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और उनकी जो हैंडलिंग है वो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी उसे यूज़ कर रहा हो, जो उसके बारे में नॉलेज रखता है वही उसको यूज़ करे। ठीक है,
फिर आया फ्लेमेबल लिक्विड्स। देखिए फ्लेमेबल लिक्विड्स में जैसे कि पेट्रोल, डीजल या और भी कोई बहुत सारे लिक्विड्स रहते हैं जो आग पकड़ लेते हैं जल्दी, तो उनमें भी यही ध्यान रखना है कि उनको ऐसा ना हो हीटिंग डिवाइस के साथ आप रख दें, ठीक है, आग लग सकती है। ठीक है, उनको भी यही सेम करना है कि ऐसे स्टोर्ड करें उनको जहाँ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, आग लग जाए या कुछ भी। कंबस्टेबल मटेरियल के अंदर ही आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स भी, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड्स भी हैं जो कि हैं वो आग उनमें जल्दी लग जाती है, तो आपको उनको भी सेफली रखना है। उसके बाद आता है गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड्स। ठीक है, क्या होता है जब भी कोई हाइट पर वर्क करने जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी बेल्ट वो पहनेंगे, सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी, पर ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आई हाउस कीपिंग की, तो फ्लोर ओपनिंग्स और जो भी रहती हैं, देखा होगा आपने बेसमेंट के लिए रहता है फ्लोर ओपनिंग्स रहती हैं, उन पर आप जब भी वर्क कर रहे हो तो वहाँ ध्यान देना होगा। ठीक है, केयरफुली वर्क करें, जैसे वहाँ बना हो, वर्क परमिट अगर आपके पास हो तो ही आप वहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉइज़ एंड वाइब्रेशन के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पीपीस पहने, पीपीस पहनना तो सभी जगह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ऐसे ही बनते हैं तो उनको भी चेक करते रहना पड़ेगा, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो तुरंत उनको बताइए। ठीक है, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये देखिए, ये हर वैसे तो रेगुलरली होता है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग में वही आता है कि जो भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं वहाँ आपने टेस्टिंग की, और मेंटेनेंस के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए ऑल ओवर आप कितना भी सेफ्टी रख ले पर उसके अगर प्रॉपर टाइम पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं आप, उसका मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है अगर आप अपना वर्क प्लेस सेफ़ रखना चाहते हो। तो देखिए वर्क प्लेस सेफ्टी में यही सारी चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना किस तरीके के एक्सीडेंट आपकी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, उनके लिए क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, क्या टेस्टिंग चल रही है, क्या क्या SOP आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो वर्क प्लेस सेफ्टी में यही है कि देखिए छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, हर एक को हम नोट नहीं कर सकते, पर हम सेफ्टी ऐसी रखें कि उससे सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकें। ठीक है, तो मैंने आज ये आपको वर्कप्लेस सेफ्टी के सेफ वर्कप्लेस बताया। ठीक है, सो थैंक यू।